Hello friends, welcome to Prepare IAS Coaching. Myself Ankit मिश्रा. आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. दोस्तों, सर्वप्रथम ये जानने योग्य है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सूचना प्रदान करने वाले स्रोत क्या हैं. वे स्रोत क्या हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ढांचे एवं उनके संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. ये स्रोत मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है. एक है प्राकृतिक स्रोत, जिनके अंतर्गत ज्वालामुखी अपरदन एवं भूकंपीय तरंगें आती हैं. द्वितीय है कृत्रिम स्रोत, मानव जनित स्रोत, जिनके अंतर्गत ताप, दाब एवं खनत्व आते हैं. इन सभी स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूकंपीय तरंगें हैं. अब हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतें एवं उनका संगठन किस प्रकार से है. तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से लेकिन तीन परतों में विभाजित है और पुनः कोर दो परतों में विभाजित है, बाह्य कोर एवं आंतरिक. सबसे ऊपर की परत हमारी भूपर्वाटी है, जिसने 95% पृथ्वी को उसके आयतन के सापेक्ष घेर रखा है. किंतु भूपर्वाटी का द्रव्यमान पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का केवल 1% ही है, अतः इसे पृथ्वी का आवरण भी कहा जाता है. जो संघनन है भूपर्वाटी का वो सियाल है, अर्थात सिलिका प्लस एल्यूमिनियम. उसके नीचे की परत है मेंटल, इसका कंपोजिशन है सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम और यह सबसे मोटी परत है. मेंटल के नीचे वायु कोर स्थित है, जब जिसे मैग्मा का गृह भी कहा जाता है, मैग्मा चैम्बर के नाम जाना जाता है, क्योंकि यहां पर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा की अवस्था में रहता है. मैग्मा ठोस एवं द्रव के बीच की स्थिति होती है और यही परत है जो पृथ्वी पर सभी अंतर्जाल बलों का मूल कारण है. यह तेज विवर्तनिकी, पर्वत, पठार, समुद्र निर्माण इत्यादि गतिविधियों का ही कारण होता है. इसके नीचे आपकी आंतरिक कोर पाई जाती है, जो सर्वाधिक ठोस अवस्था में है, बहुत ही घनत्वशील है और ये दोनों ही कोर आपकी निकल से बनी है. निकल प्लस फेरस मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है. केवल सियाल, सीमा और निकल से यह आशय नहीं है कि सिर्फ यही तत्व इसमें उपस्थित है, ये प्रधान संगठन है जिनकी हम बात कर रहे हैं. अब हम देखेंगे कि इन विभिन्न परतों के अंदर जो उप विभाजन किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं. तो हम इधर फोकस करेंगे और देखेंगे कि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली मुख्य स्थलाकृतियां हैं, जिनमें पर्वत, फिर उनसे कम ऊंचाई वाले समतल उच्च खंड, पठार, फिर ये हमारा मैदानी भाग है और ये महासागर या सागर है. ये हमारा हिस्सा भूपर्वाटी का है. भूपर्वाटी की औसत गहराई 35 किलोमीटर मानी जाती है. हालांकि यह अत्यधिक ऊंचे पर्वतों के नीचे बहुत अधिक गहरी है. जैसे कि हम बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और विश्व के सबसे 10 ऊंचे पर्वत हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं. सबसे ऊंची चोटियां इसी में अवस्थित है. तो हिमालय के नीचे की भूपर्वाटी की गहराई लगभग 70 किलोमीटर, तो औसत 51 किलोमीटर. भूपर्वाटी की गहराई सर्वस्थान पर नियत नहीं है. पर्वतों के नीचे यह सबसे ज्यादा गहराई तक पाई जाती है और पठारों के नीचे ये पर्वतों से कम किंतु मैदानी भाग से अधिक गहरी पाई जाती है एवं समुद्र के नीचे सबसे कम पाई जाती है और कहीं कहीं पर ये विलुप्त पाई जाती है. घनत्व अंतर के आधार पर भूपर्वाटी को दो उप परतों में विभाजित किया गया है, ऊपरी भूपर्वाटी और निचली भूपर्वाटी.
ऊपरी भूपरपाटी का घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और वही 3.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है निचली भूपरपाटी का। जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे की ओर अग्रसर होते हैं, गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के कारण उनका घनत्व भी उत्तरोत्तर परिवर्तित होता जाता है। ऊपरी भूपरपाटी और निचली भूपरपाटी में घनत्व अंतर होने के कारण भूकंपीय तरंगे, क्योंकि वो घनत्व के साथ अनुक्रमानुपाती का संबंध रखती हैं, भूकंपीय तरंगों की गति तीव्र होने लगती है। तो जहां से भूकंपीय तरंगों की गति में अनायास ही तीव्रता दिख पड़ती है, वहीं से हम मान लेते हैं कि ये निचली भूपरपाटी का प्रारंभ है और उस पर जहां से भूकंपीय तरंगों की गति में अनायास ही वृद्धि होती है उसे हम कॉनराड असातत्य के नाम से जानते हैं। कॉनराड असातत्य हम कह सकते हैं कि ऊपरी भूपरपाटी को निचली भूपरपाटी से अलग करता है। निचली भूपरपाटी के नीचे से मेंटल प्रारंभ हो जाता है। हम देखते हैं मेंटल हमारा जहां से ही खत्म हो जाती है निचली भूपरपाटी और वहीं से शुरू हो जाता है हमारा मेंटल और ये 2890 किलोमीटर की गहराई तक हमारा मेंटल पाया जाता है। ऊपरी मेंटल को निचली भूपरपाटी से मोहोरोविसिस असातत्य पृथक करती है। ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है, ये कहीं पर मेंटल भूपरपाटी में प्रवेश कर गया है तो कहीं भूपरपाटी नीचे मेंटल में आ गई है, तो कोई सतत रेखा नहीं है। लेकिन ये मोहोरोविसिस असातत्य, जिसे मोहो असातत्य या एम असातत्य के नाम से भी जाना जाता है, वैसे ही कॉनराड असातत्य को सी असातत्य के नाम से जाना जाता है। मोहोरोविसिस असातत्य या मोहो असातत्य निचली भूपरपाटी को ऊपरी मेंटल से पृथक कर देती है। हमारा ऊपरी मेंटल ठोस अवस्था में है क्योंकि तापमान में अभी इतनी वृद्धि नहीं हुई है कि इसको द्रव अवस्था में ला सके और ये हमारा ऊपरी मेंटल पैतृजी जहां से भी हमारी भूपरपाटी खत्म हो जाती है वहां से प्रारंभ होकर मोहोरोविसिस असातत्य से प्रारंभ होकर के 600 किलोमीटर की गहराई तक जाता है और इसमें भूपरपाटी को पूरा ऊपर से हम ले लें और 200 किलोमीटर की गहराई तक हम ऊपर ठोस मेंटल के भाग को लें, यानी कि पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर 150 से 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग जिसका घनत्व कम होता है, ये हल्का होता है और ठोस अवस्था में होता है, इसे हम भूमंडलीय प्लेट के नाम से जानते हैं और ये लिथोस्फेरिक प्लेट निचले स्थनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है और जब प्लेट विवर्तनिक हलचलें घटनाएं घटित होती हैं तो यही प्लेटें हैं जो पर्वत महासागर पठार इत्यादि के निर्माण में सहयोग करती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा मेंटल में ये विशिष्ट लेयर हमको देखने को मिल रही है 400 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की गहराई। मेंटल में 400 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की गहराई में गोलिप्सन परत पाई जाती है। इसको विशिष्ट दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच में अवस्थित वह पट्टी है जिसमें भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से गति करती हैं, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां पर डेंसिटी तो बहुत ज्यादा नहीं है किंतु जो अवस्था है वह अभी तरलीकृत नहीं हुई है, क्योंकि भूकंपीय तरंगे तरल में, अगर हम पी वेव्स की बात करेंगे जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो पी वेव्स की बात करें तो जैसे ही तरल में जाती हैं वैसे ही उनकी गति 8 किलोमीटर औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम होकर के 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और वहीं पर एस वेव विलुप्त हो जाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये भूकंपीय तरंगे दोनों ही इसमें बड़ी ही तीव्र गति से यात्रा करती हैं, इसलिए इसको विशेष दर्जा प्राप्त है। और यहां पर आपका 600 किलोमीटर की पर जो परत स्थित है
यह आपकी रेपेटी असातत्य के नाम से जानी जाती है। रेपेटी असातत्य ऊपरी मेंटल को पूर्णतया निचले मेंटल से पृथक कर देती है, और यहां से क्योंकि तापमान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं प्रति किलोमीटर पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती जाती है, और यह उत्तरोत्तर नीचे जाते समय बढ़ती ही जाती है, और जहां पर आपका मैग्मा चैंबर है यहां पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सूर्य की सतह पर जो तापमान है वह हमारे भूगर्भ में देखने को मिलता है, मैग्मा चैंबर में देखने को मिलता है। रेपिटी असातत्व से आपका प्रारंभ हो जाता है निचले या तरल मंडल का, और तरल मेंटल जहां समाप्त होता है वहां से आपका वाहकों प्रारंभ होता है। यहां पर पदार्थ बहुत अधिक तापमान एवं बहुत अधिक दाब के कारण ताप क्या कहता है कि जो अंतर अणु स्थान होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतर अणु बल, जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अंतर अणु स्थान में वृद्धि होती जाती है, जिससे कि पदार्थ तरलीकृत होने लगते हैं। वहीं पर अगर हम दाब बढ़ाएं तो अंतर अणु स्थान कम होने लगता है, जिससे पदार्थ ठोस अवस्था में आने लगता है। तो यहां पर बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दाब में संधि जैसी स्थिति दिखाई देती है, टाई जैसी कंडीशन दिखाई देती है, और इस कारण से यह बीच के रास्ता में आता है, जैसे कि ताप भी बहुत अधिक और दाब भी बहुत अधिक, तो इस अवस्था में यह मध्यमान अर्थात कि ठोस एवं द्रव के बीच की अवस्था यानी मैग्मा की अवस्था में आ जाता है। यह मैग्मा ही विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। यही प्लूम के रूप में जो ऊपर उठता है तो प्लेट टेक्टोनिक, जिसको हम विभिन्न क्लासों में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्लूम क्या होती है और कैसे जा करके इस लिथोस्फेरिक प्लेट से उठ करके इससे टकराती है और यहाँ पर मेल्टिंग करती है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है और पर्वत समुद्र इत्यादि का निर्माण हो जाता है। वायु कोर को निचले मेंटल से विभाजित करने वाली सीमा रेखा गुटेनबर्ग असातत्व के नाम से जानी जाती है। हम ये भी जानेंगे कि मेंटल की औसत घनत्व वही है जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, लगभग समान है, वो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि वायु कोर का घनत्व 9 से लेकर के 11 तक बढ़ता जाता है। वायु कोर के नीचे आपकी इनर कोर पाई जाती है, बहुत अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण यह बहुत अधिक ठोस की अवस्था प्राप्त कर लेता है। कंपोजिशन दोनों का मुख्य घटक निभे ही है, और ये वायु कोर 2890 से 5300 किलोमीटर तक होती है, और 5300 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक जो कुल हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आंतरिक कोर पाई जाती है। आंतरिक कोर का घनत्व 13 से 17 तक बढ़ता रहता है। आंतरिक कोर बाह्य कोर से लेहमन पुलिन असातत्व द्वारा पृथक की जाती है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के समस्त परतों एवं उनके संगठन की जानकारी थी। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाले जो कारक हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ज्वालामुखी अपरदन एवं भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।